टाइम जो देखा था उसका हम थोड़ा उसको समराइज कर लेते हैं। अगर कहीं पे हमारी रेजिस्टिव सर्किट रहती है, ठीक है, और एक आपकी इंडक्टिव सर्किट होती है, तीसरी आपकी कैपेसिटिव सर्किट होती है, तो हमने इन सब के फेजर डायग्राम देख लिए थे। जैसे अगर ये R है, ये L है और ये C है, देखो तो यहाँ पर जो इसका फेजर डायग्राम बनता है वो इस तरह से बनता है, राइट। इंडक्टर में वोल्टेज एज अ रेफरेंस, तो उसका करंट पीछे की ओर लैग करता है, राइट, लैगिंग पावर फैक्टर में इसका फेजर डायग्राम बनता है। और अगर हम बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर के लिए होता ऐसा है कि ये वोल्टेज और उससे ऊपर की ओर लीडिंग, 90 डिग्री लीडिंग। ये सब बातें मैंने लास्ट मेरे वीडियो में कर ली थी, तो जिन लोगों को इस पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट है तो आप वहाँ पर जाके देख सकते हो, पार्ट वन है इसका। अभी हम बात करने वाले हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स सर्किट के बारे में, राइट। तो वो कैसे काम करती है, तो अभी हमने ये एलिमेंट्स देख लिए, अब इसको हम सर्किट में लगाते हैं तो उसका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, मतलब उसका फेजर डायग्राम कैसा बनेगा जब हम ये तीनों एक साथ लगा देते हैं सर्किट में। तो देखो सिंपल मैं आपको समझा देता हूँ उसमें क्या होता है। ये आपका पॉइंट ए है, ये आपका पॉइंट बी है, राइट। अभी समझो यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस लगाई हुई है मैंने, सबसे पहले एक रेजिस्टर, उसके बाद इंडक्टर, उसके बाद कैपेसिटर, राइट। उसके बाद मैं कॉम्बिनेशन लूँगा रेजिस्टर इंडक्टर, रेजिस्टर कैपेसिटर, राइट, और इसको मैं सप्लाई दे देता हूँ एसी। देखो मेरे वीडियो में एक्चुअली में ऐसा रहता है कि मैं जो नोटेशन देता हूँ वो शायद सही ना हो, मतलब यहाँ से मैं ऐसा इंडिकेट नहीं करूँगा भाई चलो भाई प्लस चला गया यहाँ से, राइट, निकल गया, फिर यहाँ से क्लोज सर्किट होने के लिए माइनस हो गया, ये सब बेसिक चीज़ें हैं, तो मैं सब चीज़ें इसमें इंडिकेट नहीं करूँगा। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हाउ टू ड्रॉ फेजर डायग्राम, तो मेरा इंटेंस सिर्फ उतना ही रहेगा कि आप किसी भी, तो मेरा इंटेंस उतना ही रहेगा कि आप किसी भी सर्किट को देखकर फेजर डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, राइट। फिर उसके नोटेशन देना उसके लिए अलग थियरी होती है, तो मैं इसमें सब मिक्स नहीं करूँगा। जैसे कि अगर हम बात करें पावर फैक्टर की, तो वो भी इसमें इंक्लूड होता है, क्योंकि लैगिंग, लीडिंग और यूनिटी पावर फैक्टर, उसी से ही फेजर डायग्राम बनते हैं, ठीक है। लेकिन हम अभी उसकी भी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम बात कर रहे हैं तो हाउ टू ड्रॉ अ फेजर डायग्राम, राइट। तो अभी देखो हमारे पास ये सर्किट पड़ी है पूरी, राइट। अभी यहाँ से टोटल हमारा जो करंट फ्लो हो रहा है, टोटली आई इन, दैट इज योर आई इनपुट, और यहाँ से जो आता है योर आउटपुट करंट, राइट। अभी यहाँ से ये टोटल करंट ऐसे डिवाइड हो गया है सब ब्रांचेस में, तो सपोज ये जो रजिस्टर वाला करंट है वो आई वन दे देता हूँ मैं, इसको मैं आई टू, इसको मैं आई थ्री, ये बीच वाला आई फोर, और ये लास्ट वाला आई फाइव, राइट। अभी मुझे क्या करना है कि इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है, तो कैसे होगा, तो मैंने जैसे बताया था सबसे पहले हम क्या करेंगे, वोल्टेज को एज अ रेफरेंस ले लेंगे। अब हम आई वन, आई टू, आई थ्री, आई फोर एंड आई फाइव, वो सब करंट इसके अंदर डालेंगे, राइट। तो कैसे होगा, तो देखो सबसे पहले हमारा आई वन, आई वन हियर, यहाँ पे आप देख सकते हो I1, I1 रेजिस्टर के थ्रू पास हो रहा है, दैट मीन्स ये रेजिस्टिव एलिमेंट है, प्योर रेजिस्टिव, इसमें कोई और कुछ एलिमेंट लगे हुए नहीं है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट का जो आपका फेजर रहता है वो V एंड I दोनों एक दूसरे के साथ सेम फेज में होते हैं इस हिसाब से। तो ये आपका क्या हुआ, I1 हो गया। अब हम I2 की ओर जाएंगे, I2 जो फ्लो हो रहा है वो इंडक्टर में से फ्लो हो रहा है, राइट, इंडक्टर, पर वो भी कौन सा इंडक्टर, प्योर इंडक्टर, इसके आसपास कोई भी सर्किट दूसरी लगी हुई नहीं है। तो प्योर इंडक्टिव अगर सर्किट होती है तो उसका हमको पता है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट का जो फेजर डायग्राम होता है वो वोल्टेज से लैग करता है 90 डिग्री, लैग मतलब क्या होता है, पीछे की ओर, राइट। तो ये 90 डिग्री लैग कर गया, सो दैट इज योर करंट I2। अब हम जाते हैं सीधा करंट I3 की ओर, करंट I3 कहाँ पे है, ये वाली लिंक पर,
कैपेसिटर वाली लिंक के ऊपर आपका I3 करंट है, तो I3 भी हमारा प्योर कैपेसिटर है यहाँ पर, तो वोल्टेज रेफरेंस I3 जाएगा ऊपर की ओर, क्यों? क्योंकि करंट से आगे वोल्टेज, ये वोल्टेज है ठीक है, वोल्टेज से आगे जाएगा करंट 90 डिग्री, लीडिंग पावर फैक्टर जिसको बोला जाता है। तो ये हो गया आपका I3 राइट। अब ये 90 डिग्री, अब ये तो हमने अब तक पढ़ ही लिया है। अब ये मैंने बेस इसलिए रखा क्योंकि हमको इसको ही मर्ज करके दूसरे फेजर डायग्राम बनाने हैं। तो ये हमारा बेस हो गया प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव। मैं लिख लेता हूँ तो आपको थोड़ी इंडक्टिव कैपेसिटिव एंड दिस वन इज रेजिस्टिव, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं। तो अभी हमारे पास कौन से करंट बाकी रह गए, तो देखो यहाँ पर ये I4 एंड I5। अभी I4 में देखिए आप एक रजिस्टर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये रजिस्टर है ठीक है, और ये इंडक्टर है। अभी मैं JX के फॉर्म में नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ एलिमेंट की ही बात कर रहा हूँ राइट। इसको R+JX करो, वो करो, CA करो, ये अभी दूर की बात है। अभी सोचो ये आपका रजिस्टर है, ये आपका इंडक्टर है राइट। तो अभी मुझे पर्टिकुलर इस ब्रांच में से जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज़ योर I4 राइट, उसके बारे में अगर मुझे फेजर डायग्राम ड्रॉ करना हो तो कैसे होगा? तो देखिए सबसे पहले इसमें एक रजिस्टर है, तो रजिस्टर होगा तो फेज में आएगा, वोल्टेज के साथ फेज में आएगा। और दूसरा आपका इंडक्टर है, तो इंडक्टर होगा तो 90 डिग्री लैग करेगा ठीक है। तो ये इसका एक मैं हिंट देता हूँ आपको कि एक एलिमेंट यहाँ वाला है और दूसरा एलिमेंट यहाँ वाला है। तो अगर हम लॉजिक भी लगाए तो इतना तो हमको पता चल ही जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर करंट हमारा I4 है वो इन दोनों के बीच में मिलेगा, मीन्स रेजिस्टिव एंड इंडक्टिव इन दोनों के बीच में हमको मिलेगा, दैट इज योर I4। पता चला इसमें हमारे दो एलिमेंट है, इंडक्टर भी है रजिस्टर भी है, दोनों कंबाइन है, तो उसका जो भी वैल्यू हमको मिलेगा वो इन दोनों के बीच में मिलेगा। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सेट सेंटर में ही मिले, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ कहीं पे भी हो सकता है राइट। वो किस पे डिपेंड करता है? उसके एंगल फाई के ऊपर। अभी हम फाई पर नहीं गए हैं तो वो अभी मत सोचिए। तो चलो रेंडम आपको इतना नॉलेज मिल गया कि भाई हमारा अगर रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों हो तो उसका फेजर करंट का ये रीजन में मिलेगा, क्लियर राइट। अभी ऐसा ही कैपेसिटर में है, देखो एक हमारा रेजिस्टर है, दूसरा हमारा यहाँ पर कैपेसिटर है। तो आप कैपेसिटर के लिए 90 डिग्री लीडिंग समझते हो, रजिस्टर के लिए 90 डिग्री सॉरी कैपेसिटर के लिए आप 90 डिग्री लीडिंग समझते हो और रजिस्टर के लिए आप फेज समझते हो राइट। तो पर्टिकुलर ये वाला जो रीजन है जिसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट भी बोलते हैं राइट, तो यहीं पर हमारा करंट I5 प्लेस करेगा। तो ये एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया, कोई भी टेक्निकल टर्म्स यूज़ नहीं किए हैं, समझो। मैंने इम्पीडेंस की बात नहीं की अभी तक, रेजिस्टर, रिएक्टेंस, पावर फैक्टर, कॉस 5 राइट, ये सब अभी तक इसमें आई डोंट थिंक सो मैंने अभी बात की है। लेकिन समझने की बात सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर एक रेफरेंस होता है दैट इज़ योर वोल्टेज, उसके बाद आपका एक लीडिंग, आपका एक लैगिंग, और बाकी सब जो भी होता है वो इसके कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। जैसे कि देख लिया आपने, रजिस्टर के साथ कैपेसिटर था तो यहाँ पर, रजिस्टर के साथ इंडक्टर था तो यहाँ पर। अभी मैं एक सिंपल पावर फैक्टर की अगर मैंने बात कर ही ले तो एक लॉजिक बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ पर जो रोटेशन होता है ना, तो वो आपका वन टाइप ऑफ रिएक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, और यहाँ से ऊपर जाओ तब आपके एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। अभी इतना याद रखो,
इसके ऊपर डिटेलिंग में पावर फैक्टर वाला जब वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो के बाद पावर फैक्टर वाला ही आएगा, तो आपको इजीली इसमें समझ आ जाएगा। तो देखो, यहाँ से ऊपर जाओगे तो आपका एक्टिव, यहाँ से नीचे जाओगे तो आपका रिएक्टिव, मतलब लैगिंग पावर फैक्टर जब होता है, लैगिंग दैट मीन्स पीछे की ओर, तो लैगिंग फेजर डायग्राम में हमारा रिएक्टिव कंपोनेंट आ जाता है, राइट। और हमारे 90% जो भी लोड होते हैं वो सब लैगिंग पावर फैक्टर पे ही काम करते हैं। तो उसको एलिमिनेट करना हो, दैट मीन्स इसको, इंडक्टेंस को एलिमिनेट करना हो, तो हमको पता है कि भाई रिएक्टिव पावर को हमको रिड्यूस करना हो तो कैपेसिटर हम उसके पैरेलल में लगा देते हैं, राइट। यहाँ पर तो हमने यहाँ पर कैपेसिटर लगाया, तो जितनी वैल्यू यहाँ पर है उतनी ही वैल्यू ऑपोजिट डिरेक्शन में मैंने यहाँ पर लगा दी, राइट। तो दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पर मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे मिलेगा ना, तो उससे हम पावर फैक्टर भी इम्प्रूव कर लेते हैं। मतलब यहाँ से हम जैसे जैसे यहाँ पर आएंगे वैसे वैसे रिएक्टिव पावर की वैल्यू कम होती जाएगी, यहाँ पर मैक्सिमम है, कम होती जाएगी, और यहाँ पर रिएक्टिव की वैल्यू नहीं, समझ लो आप, कुछ भी नहीं होगी, उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल होता है, दैट इज योर पावर फैक्टर, राइट। तो अभी मैंने पावर फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर ही दिया है, तो अगला वीडियो मेरा पावर फैक्टर के ऊपर ही रहेगा, लैगिंग, लीडिंग एंड यूनिटी पावर फैक्टर होता क्या है एक्चुअली में। तो अभी ये मेरा पार्ट टू वीडियो समराइज कर देता हूँ। जैसे कि हमको पता है रेजिस्टिव, इंडक्टिव, कैपेसिटिव, तो उसका एक बार ड्रॉ कर देता हूँ। वोल्टेज, राइट, रेजिस्टिव हो तो यहाँ पर उसका करंट आएगा, रेजिस्टर का IR लिख देता हूँ। इंडक्टर 90 डिग्री, लैगिंग दैट इज़ योर IL, लोड करंट नहीं है ये, इंडक्टर के इंडक्टर में से फ्लो हो रहा करंट है, राइट। और कैपेसिटर हो तो यहाँ से ऊपर की ओर, राइट, दैट इज़ योर IC। अब जब कॉम्बिनेशन आपका रेजिस्टर और कैपेसिटर का हो तो उसका पर्टिकुलर इस रीजन में कहीं पे भी वेवफॉर्म आएगा करंट का, राइट, IRC, दैट मीन्स करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर एंड रजिस्टर। और अगर आपकी ब्रांच में रजिस्टर और इंडक्टर होगा तो आपका वेवफॉर्म यहाँ पर कहीं पे आएगा, RL। यहाँ तक आपको पता चल गया है, ऐसा मतलब यहाँ तक आपको पता चल गया होगा ऐसा मैं मान लेता हूँ। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो यही था हमारा फेजर डायग्राम। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे पावर फैक्टर, राइट, नंबर वन, सेकंड पावर फैक्टर के बाद एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट पावर, दैट मीन्स योर पावर ट्राइंगल, राइट। ये हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो यहाँ तक दोनों पार्ट में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।